मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम वीरेंद्र कुमार, मैथ्स टीचर, HNB कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहना मऊ। डियर स्टूडेंट्स, HNB ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग 12वीं क्लास की 12वीं क्लास में मैथ्स में लेसन वन जो रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था, तो रिलेशन के बारे में आप लोगों ने कुछ टाइप्स और उसके एग्जांपल आप लोगों ने देखा, परंतु आज हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो हम लोग क्लास शुरू करें बच्चों, क्लास 12 लेसन वन जो था और उस चैप्टर का नाम था फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग फंक्शन की बात करेंगे, अर्थात फलन की बात करेंगे, फलन पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे बच्चों। क्लास 12 का लेसन वन फंक्शन फलन पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। फलन बच्चों, पहले हम लोग क्या होता है, इस फलन को हम लोग किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्यंजक पढ़े होंगे, जैसे यह व्यंजक हुआ, इसके बाद बहुपद के बाद आप लोग सर्वसमिका पढ़े होंगे, सर्वसमिका पढ़े होंगे, इसके बाद मान लीजिए फलन है। तो व्यंजक में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक चर तथा अचर राशियों के संयोग से व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है। और जब व्यंजक आपको चर अचर राशियों के संयोग से व्यंजक प्राप्त हो गया, तो अब मामला यह हो गया कि व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। पिछली कक्षाओं में बहुपद पर भी आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, उसमें दिया था कि यदि किसी चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यक्ष चर राशि की घात भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात यक्ष को कर्णी के अंतर्गत जो भी चर राशि है, या तो यक्ष के पदों में वह व्यंजक बन रहा तो यक्ष चर राशि हो गई, वाई के पदों में अगर व्यंजक राशि व्यंजक है वह उससे वो जो व्यंजक बन रहा है, तो जो चर राशि है वह चर राशि कर्णी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो व्यंजक में से ही हम लोग बहुपद प्राप्त करते हैं, ये पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। सर्वसमिका जो होता है बच्चों, जब दो बहुपद या दो व्यंजक आपस में बराबर हो जाए तो वह सर्वसमिका हो जाते हैं। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम कर देते हैं, जैसे हम लिखते हैं x प्लस वाई और इसका होल स्क्वायर, या x प्लस वन का होल स्क्वायर कर देते हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर कर दें तो यह आ जाता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी व्यंजक है और इधर भी व्यंजक है, तो जब दो व्यंजक आपस में बराबर हो जाए तो यह कहलाता है सर्वसमिका कहलाता है बच्चों। बहुपद में जैसे मान लीजिए केवल मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा, तो यह आपको बहुपद हो गया, जिसको हम लोग gx से भी इसको डिनोट करते थे, है ना, यह बहुपद में हो गया, ठीक है। बहुपद और फलन में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। बहुपद में क्या होता है, जैसे gx है, जब यही बहुपद या व्यंजक किसी fx से डिनोट कर देंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहां पर हम लोगों ने लिख दिया fx से डिनोट कर दिया, तो यह जो हो जाएगा यह फलन, ठीक है। तो
फलन में यह तो बहुपद हो गया या व्यंजक कहें बहुपद है और यह फलन है एफ एक्स हो गया। तो इस तरह से चर और अचर राशियों के संयोग से जो व्यंजक प्राप्त होता है, व्यंजक के बाद बहुपद हो गया, जब दो बहुपद दो व्यंजक या बहुपद आपस में बराबर हो जाते हैं तो वह सर्वसमिका हो जाता है, और जब इसी व्यंजक को किसी एफ एक्स से या जी एक्स से डिनोट कर देते हैं तो वह बहुपद या फलन हो जाता है। तो हम लोग इसी फलन के बारे में थोड़ा सा हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग फलन के जो प्रकार है वह आप लोग पिछली कक्षाओं में देख चुके होंगे, जिसमें आपको त्रिकोणमिति फलन, मॉडुलस फलन, इसका मॉडुलस फंक्शन होता है, या ऐसे बहुत से फंक्शन आपके थे जो पिछली कक्षाओं में, मगर आज हम जो फलन के बारे में पढ़ेंगे उस पर जो टाइप्स देखेंगे वह मैपिंग के आधार पर देखेंगे, प्रतिचित्रण के आधार पर देखेंगे। वो टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है, फलन के प्रकार जो है, पिछली कक्षाओं में जो आप लोगों ने पढ़ा उससे थोड़ा अलग होगा। यह जो टाइप्स होगा, यह इसका जो टाइप्स हम लोग देखेंगे वो मैपिंग के आधार पर देखेंगे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, हम इसको उठा रहे हैं। अब इसमें हम लोग एक चीज हम आपको और बता दें, पहले डोमेन, कोडोमेन और रेंज, यह तीन चीज आप लोग पहले इसमें जान जाइएगा। एक हो गया डोमेन और एक हो गया कोडोमेन और एक हो गया रेंज। यह तीन जो चीज है, तीन पॉइंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं पहले इसको समझा दूं। जैसे एफ एक्स बराबर कोई फलन दे दिया, एफ एक्स बराबर मैंने लिख दिया 2x लिख दिया बच्चों, एफ एक्स बराबर 2x। तो यह जो फलन है एफ एक्स बराबर 2x, x के पदों में अगर है तो इसको हम लोग एफ एक्स से डिनोट करेंगे, अगर यह 2y रहता तो हम लोग एफ वाई से डिनोट करते। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एफ एक्स बराबर है, और हम लोग कोई दो सेट ले लेते हैं। एक सेट हम लोग लिखते हैं ए, जिसके एलिमेंट मान लेता हूं 1, 2, 3 है, और कोई बी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट हम लोग, जिसके अवयव हम लोग लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, एक्स की वैल्यू जो लिखेंगे वह सेट ए के एलिमेंट से लिया जाएगा, और जब इसको एक्स की वैल्यू इसमें रख करके सॉल्व करेंगे तो वह बी के एलिमेंट का मान देगा। इसको हम लोग वाई के बराबर भी लिखते हैं, कभी कभी देखे होंगे वाई बराबर एफ एक्स या वाई बराबर 2x भी इसको लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो अब हम लोग यहां से देखेंगे कि यहां से अगर मैं एक्स का मान 1 लिखता हूं, पहले सेट यहां से देखिए, अगर मैं एफ वन लिखता हूं, एफ वन लिखूंगा तो यहां से होगा 2 × 1 होगा, 2 × 1 अर्थात 2 देगा। अगर मैं एफ टू लिखूं तो यह हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 × 2 अर्थात 4 हो जाएगा बच्चों। एफ थ्री अगर मैं लिखूं, एफ थ्री अगर 2 × 3 होगा अर्थात 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं यह वाली जो वैल्यू एक्स का मान हम लोग रख रहे हैं और जो यह सॉल्व करने के बाद आ रहा है, यह एफ एक्स का मान आ रहा है अर्थात वाई का मान आ रहा है। यह जो मान है यह एक्स का मान दे रहे हैं, और यह जो सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है इस फलन का मान आ रहा है। तो हम लोग इसको एक मैपिंग के आधार पर कैसे इसको दिखाएंगे, जैसे मान लेता हूं कि यह सेट ए है और यह सेट बी है, यह सेट बी है, और इसके बीच में ए और बी का जो सेट है, इसके बीच में एक फलन जो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, या जो एक नियम होता है, एक नियम है इसका, एफ एक्स बराबर जो 2x है, जो फलन होता है वो फलन एक
वह मान लेने के बाद उसको साल्व करने का वह नियम बताता है कि उसको किस नियम से आप उसको ये तो नियम दे दिया, कहीं 3x दे दिया तो अलग नियम हो गया, 2x प्लस 1 दे दिया तो अलग नियम हो जाएगा। तो एक तरह से fx बराबर 2x दे दिया है, a सेट के एलिमेंट हो गए 1, 2, 3 मैं लिख लेता हूं, b सेट के जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखें कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लिया था, यहां पर जो x की वैल्यू हमने 1 लिया था, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना मान दिया, 2 दिया, तो यह एक जो होगा कनेक्ट होगा किससे, 2 से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैंने 2 लिखा तो यह कितना दिया, 4 हो गया, 2 का कनेक्ट 4 से हो गया। और अगर 3 हमने लिखा तो 3 लेने के बाद जब यह सेट ए के एलिमेंट को 3 लिखा गया, तो 3 जब यहां पर x की वैल्यू ली गई और यह x की वैल्यू लिख करके जब हमने सॉल्व किया तो वह कितना आ गया, 6 आ गया बच्चों, ठीक है। और यहां से f जो है यह fx है, ठीक है, जो fx बराबर क्या है, 2x है। तो हम लोग बार बार केवल f ही लिख करके इसको संकेत में लिख देते हैं। तो जो यहां पर 1, 2, 3 जो एलिमेंट आया सेट ए का, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, इसमें डोमेन हो गया, यह हो गया डोमेन, ठीक है बच्चों। अर्थात डोमेन के अगर एलिमेंट मैं कहूं कि कौन कौन हुआ, तो आप लोग लिखेंगे कि 1, 2, 3 हुआ, ठीक है। डोमेन के जो एलिमेंट है वो कौन कौन हुआ, 1, 2, 3 हुआ। अगर मैं कहूं कि को डोमेन, देखिए इसको जो बोलेंगे हम लोग, इसके एलिमेंट को बोलेंगे को डोमेन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो को डोमेन के अगर एलिमेंट देखेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरा एलिमेंट आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जा रहा है। परंतु इस कोर डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट, जो यहां से इमेज एक का इमेज, देखिए इसको फलन में हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि एक का इमेज कौन है, 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है, या कहें एक का मैपिंग कितना है, 2 है, 2 का मैपिंग 4 है, 3 का मैपिंग 6 से है, ठीक है। तो इस तरह से जो रेंज इसमें आते हैं, रेंज जो इसमें आएंगे बच्चों, उसके जो एलिमेंट जो होगा को डोमेन के, वे एलिमेंट जो डोमेन जो ए है उसके प्रत्येक अवयव से या इमेज हो या इसका कनेक्ट हो, तो इस तरह से रेंज के जो एलिमेंट आएंगे बच्चों वह आएंगे 2, 4 और 6 आएंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो बार बार हम आपको डोमेन और को डोमेन और रेंज हम आपको इसका प्रयोग इसमें होगा जब इस फंक्शन को पढ़ेंगे, तो इसमें डोमेन को डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे डोमेन को डोमेन आप लोगों ने देख लिया, रेंज भी देख लिया, अब फलन के बारे में हम लोग फलन पर थोड़ा अध्ययन करें कि कब व्यंजक फलन होगा और कौन सा व्यंजक फलन नहीं होगा, ठीक है। तो फलन पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से यफ मैप इसको बोलेंगे, यफ मैप ए टू बी यानी ए टू बी का मतलब कोई सेट ए के एलिमेंट का इमेज सेट बी के एलिमेंट से होगा और वह किसके तहत होगा, किसी एक फंक्शन के तहत होगा। ऐसे नहीं कि एक किसी नियम से ही तो कनेक्ट करेंगे ना, ऐसा कह नहीं कि हर एलिमेंट का कनेक्ट आप करते चले जाएंगे, वो कनेक्ट जो करेंगे वह किसी न किसी नियम के तहत करेंगे और हर सवाल में अलग अलग नियम हो सकता है। तो जैसे यहां पर आपने f बराबर 2x लिया, यानी जो भी x का मान लेंगे उसका दूना जो होगा वो उस फलन का मान आएगा बच्चों, ठीक है। तो f या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं
ए टू बी कर देते हैं और ऊपर यहां से एफ को लिख देते हैं, यह लिखने का तरीका होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या कहता है कि फलन में क्या कहता है कि अगर कोई सेट ए है और यह कोई सेट बी है, ए और बी, और इसके बीच में फंक्शन है, मान लेता हूं यहां से लिख दिया ए बी सी लिख दिया और यहां इसके अंदर लिख दिया डी ई एफ जी एच, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, तो फलन के लिए पहली परिभाषा इसमें बनती है, पहली वाली बनेगी, यह तो हो गया डोमेन, यह हो गया डोमेन और यह हो गया कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है बच्चों, तो कहता क्या है कि डोमेन के, डोमेन ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव को डोमेन बी के किसी न किसी एलिमेंट से इसका कनेक्ट होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या रहा कि सेट ए डोमेन क्या कहता है, फलन, फलन, फलन यफ क्या कहता है, फलन यफ क्या कहता है कि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव, डोमेन ए का प्रत्येक अवयव, अवयव डोमेन ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, डोमेन को डोमेन बी के, को डोमेन, को डोमेन बी के किसी न किसी अवयव से, किसी न किसी अवयव, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब या यफ, यफ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज होना चाहिए, होना चाहिए। इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब यह है कि फलन यफ जो है डोमेन ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव यानी कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए और कोडोमेन बी के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं इसका इससे कनेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसमें छूट जाए चलेगा भाई, यह कहता है फलन के लिए, इसमें कोई एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट का वह इमेज नहीं हो रहा है, देखिए इसको बोलते हैं ए का इमेज, जैसे ए का हमने डी से इमेज कर दिया, बी को हमने यहां से ई से कर दिया और सी का हमने मान लीजिए जी से कर दिया। ठीक है, तो यहां पर डोमेन के जो एलिमेंट हैं सभी अवयव किसी न किसी अवयव का जरूर प्रतिबिंब हो रहा है, यह फलन यफ के तहत कनेक्ट हो रहा है, इसमें छूट जाए चलेगा मगर इसमें छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, पहली वाली कंडीशन समझ में आ गई बच्चों, पहली वाली कंडीशन समझ में आ गई कि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव को डोमेन बी के प्रत्येक अवयव से नहीं बल्कि किसी न किसी अवयव से जरूर इसका प्रतिबिंब होना चाहिए, तो ए बी सी में कोई छूटना नहीं चाहिए, इसमें छूट जाएगा चलेगा, फलन होगा बच्चों। करेक्ट, समझ में आ गया, नंबर एक समझ में आ गया, अब इसको हम लोग नोट कर लें। नंबर दो, यह फलन है, यह फलन है इज फंक्शन, ऐसा अगर है तो फलन है। ठीक है, और कहीं अगर मान लीजिए एक एलिमेंट का दो इमेज बन रहा हो तब वह फलन नहीं होगा। अब हम लोग दूसरे लिख देंगे, दूसरी कंडीशन देंगे, दूसरी कंडीशन देंगे, दूसरी कंडीशन में क्या कहता, हम बार बार इसको लिखाएंगे नहीं बेटा, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, हम केवल आपको डिफिनेशन नहीं देंगे, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी
इसलिए हम आपको डिफिनेशन न दे करके हर इसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और समझ लेंगे तो ऐसे ही आप उसके बारे में बना करके लिख सकते हैं। जैसे इसमें आपने लिखा क्या कि फलन यफ डोमेन ए का प्रत्येक अवयव को डोमेन बी के प्रत्येक अवयव नहीं बल्कि किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नंबर एक हो गया। अब नंबर दो हम बताते हैं, यह मिटा देते हैं बच्चों। नंबर दो कहता है, नंबर दो इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए कोई यहां से मैंने लिख दिया एक सेट ए लिख दिया और एक सेट हमने बी लिखा जिसमें ए बी सी मान लीजिए बी है, इसमें हमने लिख दिया ई एफ जी एच आई लिख दिया, थोड़ा सा समझिएगा इसको। और इसके इसके बीच में हमने एक फलन एफ लिख दिया, यहां से फलन एफ है। अब होगा क्या, दूसरा क्या कहता है कि डोमेन ए के एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता मगर एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। अर्थात हम लोग कहें कि यहां से ए और बल्कि यहां से भी ये दो का कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से इसको कनेक्ट कर लीजिए, यहां से इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा क्या है इसमें कि दो एलिमेंट का जो इमेज जो है एक पॉइंट एक एलिमेंट से हो सकता है। तो यहां पर यह भी क्या होगा कि यह फंक्शन होगा इज फंक्शन, यह भी फंक्शन है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, नंबर तीन देखो बेटा, अगर मान लीजिए बाय द वे हमने ऐसे लिख दिया यह सेट ए है और यह सेट बी है, यह सेट ए है और यह सेट बी है, यहां पर हमने लिखा ए बी सी लिखा और यहां से हमने लिख दिया डी ई एफ जी लिखा और यहां से हमने लिख दिया एक का इधर कर दिया एक का इधर, माने एक एलिमेंट का डोमेन के एक एलिमेंट का दो इमेज आपने बना दिया, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा, यह फंक्शन नहीं, नॉट फंक्शन। फंक्शन यह नहीं होगा, ठीक है बच्चों, यह फंक्शन नहीं होगा, यह फंक्शन होगा, यह भी फंक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा, एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूं, डोमेन हो गया और यह हो गया आपको डोमेन हो गया, ठीक है बच्चों। तो फलन के होने के लिए क्या कंडीशन कहता है कि पहली कंडीशन कह रहा है कि डोमेन ए के प्रत्येक अवयव का इमेज होना चाहिए, किसे कोडोमेन के बी के एलिमेंट्स है, और दूसरी कंडीशन है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए बल्कि दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, करेक्ट बच्चों, इसको नोट कर लें। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसको पहले नोट कर लें। कुछ फंक्शन के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अब मैं लिखने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन के प्रकार, यानी फलन के प्रकार और फलन के प्रकार बच्चों जो हम लोग देखेंगे वो पिछली कक्षाओं में फलन के प्रकार कुछ और थे, मगर यहां पर जो फलन के प्रकार होंगे हम लोग सिर्फ मैपिंग के आधार पर
आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा माइकिंग के आधार पर, प्रतिचित्रण के आधार पर देखेंगे, ठीक है। तो माइकिंग के आधार पर हम लोग को देखना है फलन के प्रकार। चले बेटा, तो हम लोग नंबर एक इसमें लिखेंगे, नंबर एक जो होगा इसमें लिखेंगे ऑन टू फंक्शन। क्या लिखेंगे? ऑन टू फंक्शन। पहला हम लोग लिखेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। या इसको हम लोग सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, या सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन को आच्छादक फलन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? आच्छादक फलन, इसको आच्छादक फलन कहेंगे हिंदी में। इंग्लिश में ऑन टू फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? कि अगर कोई से देखिए, मैं केवल समझा रहा हूं, हर के बारे में समझाऊंगा, इसका एक परिभाषा कैसे इसको समझेंगे, कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कोई सेट ए है और यहां पर कोई सेट बी है और इसके इसके बीच में कोई फंक्शन है, ठीक है बच्चों। और मैंने यहां से लिख दिया कि ए बी सी, ठीक है। और यहां से मैंने लिख दिया डी ई एफ, या जी भी लिख सकते हैं, रहने दीजिए एफ। और हम लोग क्या देखेंगे? ऑन टू फंक्शन का मतलब कि यहां से इसका अगर कनेक्ट है, बी का ई हो गया और सी का एफ हो गया, तो ऑन टू में हम लोग फलन को, फलन में देखिए यह क्या है कि डोमेन और यह को डोमेन, यह हो गया डोमेन, डोमेन यह हो गया डोमेन और यह हो गया को डोमेन। दिखाई दे रहा बच्चों? यह हो गया डोमेन और यह हो गया को डोमेन। तो ऑन टू फंक्शन यानी सब्जेक्टिव फंक्शन या आच्छादक फलन का क्या परिभाषा, इसको क्या कहता है कि जो को डोमेन के जो एलिमेंट हैं वह डोमेन ए के एलिमेंट का प्रत्येक यानी सभी अवयव, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, यानी प्रत्येक अवयव या डोमेन ए के प्रत्येक अवयव का यह प्रतिबिंब होना चाहिए। करेक्ट बच्चों? यानी ऑन टू फंक्शन में यहां से या कोई भी इसमें एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें छूट गया तब तो फंक्शन ही नहीं है, इसमें अगर छूट रहा तो फंक्शन होगा। करेक्ट बच्चों? तो यह हो गया ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। इसको यह समझ लीजिए ऑन टू फंक्शन का कि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, यह ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको आप लोग नोट करेंगे, सबके बारे में हम एग्जांपल बाद में बता देंगे अगले वीडियो में, आज केवल हर फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे कि फलन फलन यफ, फलन यफ, ध्यान दीजिए फलन यफ डोमेन ए के प्रत्येक अवयव, या हम लोग लिखें को डोमेन का प्रत्येक अवयव फलन यफ, या इसको लिखेंगे आच्छादक फलन कहलाता है। देखिए कैसे लिखेंगे, आच्छादक फलन कहलाता है यदि 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 को डोमेन बी का, को डोमेन बी का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव डोमेन ए का, डोमेन ए का, डोमेन ए का यफ यफ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होना चाहिए, होना चाहिए। इसका क्या मतलब बेटा? यह जो फलन यफ क्या कह रहा है
या ए टू बी भी लिख सकते हैं इसको, ए टू बी है कि नहीं, ए से बी में आच्छादक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि डोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए का यह प्रतिबिंब होना चाहिए तभी। देखिए यहां से लिखे आच्छादक फलन, यदि को डोमेन बी का प्रधान सॉरी को डोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए का यह प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी इसका कनेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया ऑन टू फंक्शन, आच्छादक फलन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें छूटना कोई नहीं चाहिए, चाहे वो क्यों ना हम लोग ऐसे लिखे। दूसरा एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जैसे जैसे यह हम मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे हम यहां पे एक लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और दे दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और इसमें देख लीजिए बच्चों। जैसे मैंने सेट यहां से ले लिया ए और यह सेट हो गया बी, ठीक है, और यहां पर लिख दिया ए बी सी डी ई लिख दिया, और इसमें लिख दिया एफ जी एच लिख दिया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, फलन होने के लिए क्या है कि दो एलिमेंट का भी एक इमेज हो सकता है कि नहीं। जैसे यहां से ए का एफ से लिख दिया, बी का जी से हो गया कनेक्ट कर दिया, सी भी आपको जी से हो गया, और इन दोनों का कनेक्ट मैं इससे कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है को डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, वह किसी न किसी डोमेन ए के एलिमेंट का जरूर इमेज बन रहा है। ठीक है बच्चों, यह हो गया डोमेन और यह हो गया को डोमेन। ठीक है, तो नंबर वन जो ऑन टू फंक्शन वो आपको उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों कि सिर्फ यही देखिए कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कि को डोमेन जब नहीं छूट सकता है तो इसको मैथमेटिकल भाषा से हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि को डोमेन जो होगा, कहां लिखे बेटा, यहां लिख देते हैं कि को डोमेन के जो एलिमेंट होंगे वह सेट बी के एलिमेंट के बराबर होंगे। को डोमेन के जो एलिमेंट होंगे, या हम लोग यह कहते हैं कि को डोमेन का एलिमेंट इस रेंज के एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, या हम लोग इसको रेंज को पहले लिख सकते हैं, को डोमेन को बाद में लिख सकते हैं, यानी जो रेंज के एलिमेंट होंगे वह जो होगा को डोमेन के एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। तो यह ऑन टू फंक्शन का यह परिभाषा हो गई कि जो उसके रेंज होंगे जो यानी सब कनेक्ट होना चाहिए तो वह सेट बी के एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, अर्थात को डोमेन के बराबर हो जाएगा। करेक्ट बच्चों, नोट कर लीजिए। ऑन टू के बाद अब हम लोग इन टू फंक्शन देखेंगे, इसको मिटा दें बच्चों। अब हम लोग नंबर दो देखेंगे, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जैसे उसमें सब्जेक्टिव कह रहे थे, इसमें किसी से नहीं कह सकते, इसमें सिर्फ इनटू फंक्शन मैं लिख रहा हूं, यह इनटू फंक्शन, या इसको हिंदी में अंतःक्षेपी भी कहते हैं, अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन। मैं हर फलन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैपिंग के आधार पर समझाऊंगा। यह क्या कहता है, इसमें देखिए क्या कहता है कि अगर कोई सेट ए है और यह कोई सेट बी है, ठीक है, सेट ए है और यह सेट बी है, इसके एलिमेंट ए बी सी लिख दिया और इसमें मैंने लिख दिया डी ई एफ जी लिख दिया, सपोज के लीजिए, है ना, और ए से जो बी में कनेक्ट है
वह किसी एक नियम के तहत कनेक्ट होगा, इसका एलिमेंट इस एलिमेंट से जो कनेक्ट होगा किसी नियम के तहत होगा, वह नियम जो है फलन है। इसको fx भी कह सकते हैं, जो या यक्स के पदों में अगर रहेगा तो fx लिख सकते हैं, y के पदों में अगर वो फलन है तो fy भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहता है इनटू में कि यहां से कि कोडोमेन, यह हो गया डोमेन, डोमेन के एलिमेंट हो गए एबीसी। कोडोमेन के कौन से एलिमेंट है बच्चों, यह हो गया डी ई एफ जी हो गया। इसमें क्या कहता है कि कोडोमेन का कोई ना कोई एक एलिमेंट छूट सकता है। ठीक है, अनुभव वह जो कोडोमेन का कोई एक या एक से अधिक अवयव को डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि हाँ यह अंतःक्षेपी फलन वह फलन होता है, लिख सकते हैं अंतःक्षेपी फलन वह फलन होता है कि कोडोमेन का कोडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी का प्रतिबिंब नहीं होता है, प्रतिबिंब नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहां से ए से डी हमने लिख दिया, बी से ई लिख दिया और सी से एफ लिख दिया। हमने देखा क्या कि इसमें एक एलिमेंट छूट जा रहा है, वह किसी का इमेज नहीं बन रहा है, और यही अंतःक्षेपी यानी इनटू फंक्शन का डिफिनेशन बताती है। ठीक है, अगर ये नहीं छूटा तो क्या हो गया था, वो अंतू फंक्शन छूट गया तो इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इसमें रेंज बन रही है वो डी और एफ बन रहा है। रेंज जो इसके हो रहे हैं, इसके एलिमेंट, रेंज के एलिमेंट कौन कौन है, इसके एलिमेंट जो हो रहे हैं डी है और एफ है। ठीक है, और कोडोमेन के एलिमेंट कौन कौन है, कोडोमेन के एलिमेंट डी ई एफ जी है, डी है ई है एफ है जी है। तो इसमें अगर रेंज देखेंगे तो कम हो जाएगा, कोई ना कोई छूट जाएगा, कोडोमेन में आपको ज्यादा एलिमेंट रहेंगे। तो हम लोग इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, सबसेट में इक्वल तो नहीं कह सकते, तो इसलिए इसकी परिभाषा बन सकती है कि रेंज जो होगा इसका, रेंज जो होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन इसका क्या मतलब होगा कि इसमें जो एलिमेंट ज्यादा होंगे और इसमें एलिमेंट कम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो या आप लोगों ने एक एग्जांपल इस पर देखा, क्या इसमें देख रहा है कि कोडोमेन का एक या एक से अधिक, दो भी छूट सकता है, तीन भी छूट सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट इसमें छूटे तो समझ जाना कि वह इनटू फंक्शन है, अन्यथा वो इनटू फंक्शन नहीं, नहीं, एक भी छूट सकता है, दो एलिमेंट भी छूट सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक फंक्शन आप एलिमेंट इसमें छूटना चाहिए बेटा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यह सेट ए लिखा और यह सेट मैंने बी लिया, यह ए है और यह बी है, यहां से ए बी सी डी लिखा, यहां से हमने लिख दिया ई एफ जी एच आई लिख दिया। हमने क्या किया कि ए एफ बी का कनेक्ट भी एफ से कर दिया, सी का हमने जी से कर दिया और डी का भी हमने जी से कर दिया। ठीक है, पहली बात तो देखिए फलन है कि नहीं है, इसमें क्या करता है फलन के लिए, इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, सबका किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। दूसरी बात है, एक एलिमेंट का दो से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का या कोडोमेन के किसी दो अवयव से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो एक एलिमेंट का वन या वन का एक का एक ही से है, इसका एक ही से है, सी का जी से है, डी का ई से, डी का कोई दो आपको दो इमेज नहीं बन रही है इसकी। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया डोमेन और यह हो गया कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एलिमेंट इसमें छूट रहे हैं, जबकि
तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इनटू फंक्शन या अंतर छेदी फंक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, करेक्ट, नोट कर लें इसको। अब नंबर दो के बाद हम चलेंगे नंबर तीन बताने जा रहे हैं। नंबर तीन शुरू करेंगे, नंबर तीन होगा जो जिसको हम लोग कहेंगे कि वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, या इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, या इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, जैसे उसमें सब्जेक्टिव था, इसमें इंजेक्टिव, वन वन फंक्शन, इसको हम लोग एकाएकी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, एकाएकी, एकाएकी फलन, एकाएकी फलन, या इसको हम लोग ऐसे भी कहेंगे कि वन वन, वन का मतलब एक एक, वन वन यानी एक एक फलन, एक एक फलन, या इसको एकाएकी फलन भी कहेंगे। यह क्या परिभाषा देता है, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि यह ए है और यह बी है, ठीक है, ए है और यह बी है, यहां से हमने लिख दिया ए बी सी और यहां से हमने लिख दिया डी ई एफ, ठीक है, डी एफ, डी ई एफ, इस तरह से हमने लिख दिया, यहां पर जी भी लिख दिया, चलिए सोच, ठीक है। तो यहां से क्या हो सकता है, यहां छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके इसके बीच में कोई कनेक्ट कर रहा हूं, कोई फलन है जो ए का डी से है, बी का ई से है और सी का एफ से है, ठीक है बच्चों। तो होगा क्या कि इसमें क्या हो रहा है कि वन वन, यानी वन वन का मतलब जो डोमेन के अवयव है वो भी वन, और जो को डोमेन का जो एलिमेंट है, को डोमेन का जो एलिमेंट है वो भी वन। तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। हम कहेंगे डी क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि डी ए का इमेज है। ए क्या है, तो ए जो है डी का प्री इमेज है, जिसको प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब इसको कहेंगे कि बी क्या है, बी ए का प्रतिबिंब है, या हम कहें कि ए का प्रतिबिंब कौन है, तो आप कहेंगे कि ए का प्रतिबिंब डी है, बी का प्रतिबिंब ई है, सी का प्रतिबिंब एफ है, यानी एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें छूट सकता है और नहीं भी छूट सकता, वो बात अलग है, ठीक है। वन वन की परिभाषा केवल यही कहती है कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तो अब यहां से हो गया ए टू बी, या को डोमेन हो गया, ए को डोमेन हो गया, या आपको कौन सा फंक्शन हुआ, वन वन फंक्शन हुआ, ठीक है। तो यह भी आपको वन वन फंक्शन हो गया, या इसमें छूट भी सकता है, जैसे मैंने कह दिया यह ए है या बी है और ए टू बी में यह फंक्शन है, ए है बी है सी है डी है ई है एफ है जी है एच है आई है जे है, मैंने लिख दिया और यहां से मैंने ए का कनेक्टर एक से कर दिया, बी का मैंने जी से कर दिया, सी का हमने एच से कर दिया, ठीक है, और डी का हमने जे से कर दिया, डी जे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है, तो इसलिए वन वन फंक्शन, इसमें का वन और इसमें का भी वन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ठीक है। यह जो फलन होगा कौन सा फलन कहलाएगा, एकाएकी फलन कहलाएगा, कंप्लीट बेटा। यह हो गया डोमेन, डोमेन, और यह हो गया को डोमेन। अच्छा अब देखना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन के एलिमेंट कौन है, तो ए बी सी डी हो गया, को डोमेन के एलिमेंट कौन कौन है, ई एफ जी एच आई जे हो गया। अगर मैं कहूं कि इसमें रेंज कौन सा है, इस फंक्शन में को डोमेन में जो रेंज कौन होगा, तो क्या आप लोग बता सकते हैं रेंज कौन कौन होगा,
कौन कौन होगा बोलिए बच्चों, इसमें होगा जो इसमें रेंज में कौन कौन होगा कि जो जो इस एलिमेंट का यह प्रतिबिंब बन रहा है वही केवल रेंज होगा, यानी रेंज के एलिमेंट आएंगे ई जी एच। करेक्ट बच्चों, नोट कर लें, नोट कर लें। वन वन फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें केवल यही कहा था कि इसमें का वन और इसमें का वन, ठीक है। अब हम अगला बताएंगे नंबर चार, मेनी वन फंक्शन, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लें। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है, जिसको कहेंगे हिंदी में बहु एक, बहु एक फलन, बहु एक फलन, बहु एक फलन। देखिए इसके जो वर्ड लिखे गए हैं ना, इससे भी इसकी डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड बड़े चुन करके रखे गए हैं और हिंदी में भी जो लिखा गया है बहु एक, बहु माने बहु से और उधर हो गया एक, है कि नहीं, ठीक है। तो बहु एक का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है कि नहीं। बहु एक का मतलब आप लोग दूसरा अर्थ मत निकाले, घर में एक बहु है ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहु एक का मतलब यह हो गया कि अगर यहां से डोमेन हो गया, यह सेट ए है और यह कोई सेट बी है, ए और बी में कोई आपका फंक्शन है और इसके एलिमेंट जो मैं लिखता हूं ए बी सी डी लिख दिया, इसमें मैं लिख दे रहा हूं ई एफ जी लिख दिया, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो यह हो गया डोमेन, यह हो गया डोमेन और यह हो गया कोडोमेन, ठीक है, प्रभाव क्षेत्र और स्वप्रभाव क्षेत्र। चलिए तो अब क्या होगा, इसमें क्या कहता है कि मेनी वन फंक्शन, मेनी वन का मतलब इसमें एक या एक से अधिक अवयवों का एक ही इमेज होना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो मेनी वन कहलाएगा। जैसे मैंने लिख दिया ए का ई से और बी का भी ई से कर दिया और सी का एफ से कर दिया और डी का मैंने एफ से कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेनी का मतलब सबका और किसी एक से कर देंगे, तो जब इसमें से सबका किसी एक से हो जाएगा बेटा तो वह मेनी वन नहीं बल्कि उसको आगे बताएंगे उसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, आगे चल के वो आएगा नंबर उसको हम बताएंगे। तो यहां पर क्या कहता है कि मेनी वन फंक्शन बहु एक फलन, ठीक है। तो इसकी क्या परिभाषा देंगे कि देंगे कि डोमेन के प्रत्येक अवयव नहीं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फलनों का को डोमेन के किसी एक एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। दो या दो से अधिक, तीन का भी हो सकता है, तीन एलिमेंट का एक ही इमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें छूट भैया या न छूटे वो बात अलग है, ठीक है, इसमें नहीं छूटना चाहिए। अगर इसमें छूट गया तो समझ जाना कि वो तो पहले फलन ही नहीं है, ठीक है। इसमें छूट जाएगा चलेगा, जैसे हमने लिख दिया यहां से ए, एक एग्जांपल और लिख लो ए बी सी डी, इसमें लिख दिया ई एफ जी एच आई, ठीक है, या यहां से लिख दिया, यहां से लिख दिया, और यहां से हमने इसको भी कर दिया, ठीक है। मान लीजिए इसमें एक या एक से अधिक छूट गया फिर भी कोई बात नहीं है, यह हो गया डोमेन, डोमेन और यह हो गया कोडोमेन, यह हो गया कोडोमेन, यह हो गया सेट ए, यह हो गया सेट बी, इसके इसके बीच में कोई फर्क नहीं। क्या बच्चों समझ में आ गया मेनी वन का मतलब, समझ में आ गया मेनी वन का मतलब इस जो सेट ए है, जो डोमेन ए है, इसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयव का इमेज किसी एक एलिमेंट से होना चाहिए, ठीक है। तो यह हो गया मेनी वन फंक्शन, नोट कर लें। अब जो इसके मैपिंग के आधार पर अगर देखें तो अब लोग पांचवा हम लोग लिखेंगे कि वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, देखिएगा वन वन ऑन टू फंक्शन,
पांचवा जो नंबर होगा 11, जो भी टाइप है नंबर आपका इधर पर भी हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं 11। अब 11 फंक्शन था, अब 11 में ऑन टू और इन टू, या मेनी वन में ऑन टू और इन टू दो दो प्रथम दो दो फलन और बनेंगे। तो 11 ऑन टू ऑन टू ऑन टू फंक्शन, 11 ऑन टू फंक्शन, जिसको हिंदी में कहेंगे एकाएकी आच्छादक आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन। इसका क्या मतलब हुआ, 11 का होना चाहिए और को डोमेन में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे सेट ए है और यह सेट बी है, ठीक है, तो यहां से हो गया ए हो गया और यह बी हो गया, और इसके एलिमेंट फंक्शन को एफ है, इसके एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ ए बी सी और यहाँ डी, यहाँ पर लिख रहा हूँ ई एफ जी एच। ठीक है बेटा, तो होगा क्या कि 11 का मतलब, 11 का मतलब यहाँ से ए का ई से, बी का यहाँ एफ से, सी का हमने जी से, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ बी एच लिख दिया, और डी का हमने एच से कर दिया। तो यहां से क्या हो रहा है, 11 एक का एलिमेंट का एक ही इवेंट बनेगा, और ऑन टू का मतलब इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ऑन टू का मतलब इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसलिए यह जो फलन आएगा यह 11 ऑन टू फंक्शन या एकाएकी आच्छादक फलन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ लीजिए, समझा रहा हूं, इसकी डिफिनेशन मैंने लिखवा रहा हूं, डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, किताब बुक्स में दिया होगा, मैं केवल इसके बारे में एक्सप्लेन करके आपको समझा दे रहा हूं। तो यह डोमेन के एलिमेंट हो गया और यह कोडोमेन के एलिमेंट हो गए। तो यहां से क्या हो रहा, 11 का मतलब समझ में आ गया कि वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। ऑन टू का मतलब इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, और छूट गया तो क्या हो गया, 11 इनटू फंक्शन, अगर छूट गया तो क्या हो गया, 11 इनटू फंक्शन। अब वो नंबर 6 भी लिख दे रहा हूं, 11 इनटू फंक्शन, 11 इनटू फंक्शन, 11 इनटू फंक्शन, यानी कि इसको कहेंगे एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। तो 11 मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिख गया 11 इंटू फंक्शन, 11 ऑन टू था, यह हो गया 11 इंटू फंक्शन। इसका क्या मतलब हो गया कि यह कोई सेट ए है और यह कोई सेट बी है, जो ए और बी के बीच में कोई फलन है, जो ए है बी है सी है, और यहां से मैं लिख रहा हूं कि डी ई एफ जी, एक या एक से अधिक एलिमेंट भी छूट सकते हैं। उसमें मैं ये बताया था आपको पहले कि ए डी से आपका इमेज हो गया, बी का इमेज ई हो गया, सी का इमेज एफ हो गया, उसमें ए छूट रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 11 इंटू फंक्शन, यह डोमेन के एलिमेंट हो गए और यह को डोमेन के एलिमेंट हो गए। ठीक है बच्चों, यह डोमेन के एलिमेंट और यह को डोमेन के एलिमेंट। अब जैसे आपने 11 ऑन टू फंक्शन कहा, इसी प्रकार से आपका अगला नंबर बन सकता है मेनी वन ऑन टू फंक्शन, और यहां मेनी वन इनटू फंक्शन बन सकता है। आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, तो अब इसी को देख लीजिए, मैं अब समझ में आ गया। ओके, अगला नंबर मैं देखिए बता रहा हूं, नंबर 7 में जैसे मेनी वन ऑन टू फंक्शन और मेनी वन इनटू फंक्शन, ठीक है, इसको नोट कर लें। मैं लिख रहा हूं मेनी वन ऑन टू फंक्शन,
मेनी वन ऑन टू फंक्शन, जिसको कहेंगे बहुकेश, बहुकेश आच्छादक, आच्छादक फलन, ठीक है, बहु एक आच्छादक फलन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मेनी वन यानी इसमें का जो एलिमेंट एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक, जो भी हो, एक सेट ए हो गया या सेट बी हो गया, इसके बीच में जो कनेक्ट होगा किसी फंक्शन के तहत होगा, ठीक है। यहां से मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई लिख दिया, यहां से लिख दिया मैंने एफ जी एच लिख दिया। अब क्या हुआ, यहां से ए एफ लिख दिया, बी का जी से कनेक्ट कर दिया, सी का जी से कनेक्ट कर दिया, डी का एच से कर दिया। आंटू फंक्शन है, आंटू का मतलब इसमें छुपना नहीं चाहिए, ठीक है। और यहां से मैंने यह एच कर दिया, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेनी वन, मेनी वन का मतलब इसमें केवल यह वन है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं कि मेनी में सब मेनी होना चाहिए। कोई भी इसमें से अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट बन जा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि मेनी वन ए ऑन टू फंक्शन, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग लिखेंगे कि मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो जैसे यह हो गया डोमेन और यह हो गया को डोमेन, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं मेनी वन इन टू फंक्शन, समय बहुत ज्यादा हो गया, मेनी वन इनटू फंक्शन, इसको कहेंगे बहु एक अंतःक्षेपी फलन, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। इसका क्या मतलब हुआ कि अंतःक्षेपी उसमें छूटना चाहिए। जैसे मान लेता हूं कि यह सेट ए है, यह सेट बी है, इसके एलिमेंट ए बी सी डी ई ई कर दिया, इसमें मान लिख दिया एफ जी एच आई कर दिया, ए का मान लीजिए यहाँ एफ से हो गया, बी का मान लीजिए एफ से हो गया, सी का भी जी से हो गया, डी का भी जी से हो गया, और यहां से ई का एच से, इसमें एक छूट जा रहा है, ठीक है बच्चों। मान लेता हूं कि एक इसमें, इसमें तीन का भी एक एलिमेंट हो सकता है, कोई जरूर नहीं केवल दो ही हम दिखा रहे हैं, तीन का भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर एक एलिमेंट छूट जा रहा है तो देखिए मेनी वन माने दो या दो से अधिक, तीन का भी कनेक्ट इमेज आपका किसी एक एलिमेंट से हो सकता है, तो यहां से एक एलिमेंट इसमें छूट जा रहा है, इसलिए मेनी वन, मेनी वन माने दो या दो से अधिक का एक ही इमेंट बन रहा है, मेनी वन इंटू इंटू मतलब इसमें छूट रहा है, और इसलिए यह कहलाएगा मेनी वन इंटू फंक्शन, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। यह हो गया डोमेन और यह हो गया को डोमेन। तो बच्चों आप लोगों ने कुछ मैपिंग के आधार पर आप लोगों ने फलन के प्रकार आप लोगों ने देखा। अभी मैंने केवल थोड़ा थोड़ा आपको इसके प्रकार को मैंने बताया। अब इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, यह आच्छादक यानी कि आंटू फंक्शन है या यह इंटू फंक्शन है, यह आपको चेक करना है। यह चेक करने का तरीका मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा बच्चों, ठीक है। हमें विश्वास है कि आप लोग यह वीडियो देखेंगे और इससे आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ लेंगे। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इसकी कल अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, इस पर एग्जाम्पल दे करके बताएंगे। अभी हमने एग्जाम्पल नहीं दिया, इसको चेक करने का तरीका हमने नहीं बताया, क्योंकि आज बहुत जल्दी हमने जितने टाइप्स थे मैपिंग के आधार पर जो फलन के प्रकार थे उसको हमने बताने का प्रयास किया। कम समय में आपको ज़्यादा हमको पॉइंट देना पड़ा, और मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में आपको ज़्यादा पॉइंट्स आपको देता रहूँ। हो सकता है यहाँ पर चूँकि पढ़ाने में जब बच्चे चूँकि सामने रहते थे तो बच्चे हम लोगों से कोई ना कोई क्वेश्चन करते थे, तो हम लोग थोड़ा और उसको एक्सप्लेन से बता सकते थे। हो सकता है इस समय पढ़ाते समय हमारे दिमाग से कुछ ऐसी पॉइंट होगी जो छूट जाती हैं, जो हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा कोई सामने बैठा नहीं है, लॉकडाउन का समय है, सब बच्चे अपने घर पर हैं, वो बच्चे तो हम लोग को देख ले रहे हैं, वो देख करके हमसे पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं, मगर हम लोग अपने बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं, मगर फिर भी ये मान लेते हैं कि बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, पढ़ाते हैं हम लोग,
मगर कोई पूछने आता पूछता नहीं है बच्चा, तो हम लोग पूछ नहीं पाता है, तो हम लोग मगर फिर भी समझते हैं कि हमारा हर बच्चा हर बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज देखिएगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़ने का काम करिएगा, इसका फायदा लीजिएगा, और हमको अगर यह आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं, फिर अगले वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे आप लोग, कैसे इसको चेक किया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।